अस्सलामु अलैकुम। हिंदी इंटरनेशनल चैनल में सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हर एक समुदाय का प्रतीक दरअसल बहाई मंदिर यानी लोटस टेम्पल है, जो कि पूरे एशिया में केवल एक ही मंदिर है जिसमें कि कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं। लोटस टेम्पल बहाई फिरके का माना जाता है। हकीकतन बहाइज्म नौ बड़े मजाहिब का संगम है और जिसके के पैगंबर बहाउल्लाह हैं। दरअसल फारी बोर्ज साहबा ईरान के वो इंजीनियर थे जिन्होंने इसका नक्शा खींचा और दिसंबर 1986 ईस्वी में इसे आम लोगों के लिए खोला गया। इस मंदिर में हर मजहब के लोग अंदर जा सकते हैं और हर कोई अपने अपने मजहब के अनुसार इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं। इसका अन्य नाम कमाल मंदिर है, जो कि कमाल की फनी तामीर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर आने वाले को इस सफेद रंगी मंदिर की ओर देखकर नजरें दरी की दरी रह जाती हैं। डियर सब्सक्राइबर्स, द नंबर 9 इज सैक्रेड इन द बहाई फेथ, हेंस द लोटस टेम्पल इनकॉर्पोरेट्स द नंबर 9 इन अ सिमेट्रिकल पैटर्न फॉर बैलेंस एंड ब्यूटी एज द बिल्डिंग इज शेप्ड इन अ 9 साइडेड डोम। द 27 कंक्रीट एंड मार्बल पेटल्स दैट फॉर्म द स्ट्रक्चर आर बिल्ट इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, 9 एंट्रेंस लीव्स व्हिच मार्क द डोरवेज, 9 outer leaves which form the roof space and 9 inner leaves which enclose the central hall in an interior dome. प्रिय मित्रों, लोटस टेम्पल हर आने वाले को अपनी सुंदरता से मदहोश कर देता है। हर इंसान इसे देखकर बनाने वाले की दाद देने पर मजबूर होता है। यह ऐसी इबादतगाह है जो कि हर मजहब के लोगों के लिए बनाई गई है। लोटस फूल किसी एक मजहब की नुमाइंदगी नहीं करता, इसीलिए लोटस टेम्पल पूरे संसार में मशहूर है और इसका नाम गैनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और तो और, प्रतिदिन यहाँ 10,000 पर्यटक आते हैं और एक वक्त में इसके अंदर 2,500 लोग समा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वसलाम, खुदा हाफिज़ुन नासिर।